सिविल लाइन रोड पर एकत्रित हुए सपाई पुलिस ने लिया हिरासत में निपटने को। एसएसपी अजय कुमार ने किए पहले से ही कड़े बंदोबस्त। फिलहाल कियों को हिरासत में लेकर रखा गया। पुलिस लाइन में बताया बदनीयती के चलते 10:30 बजे का था समय आ गए 8 बजे ही। हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहेंगे वे भी किसान के बेटे करें समर्थन। दिलीप यादव फिरोजाबाद। आज समाजवादी पार्टी द्वारा प्रस्तावित किसानों के आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन को लेकर सिविल लाइन रोड पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन का प्रयास किया गया। इस दौरान वहां मौजूद एसएसपी के निर्देशन में तैनात पुलिस फोर्स ने रोकने की तैयारी करते हुए काफी संख्या में एकत्रित सपाइयों को हिरासत में लिया गया। वहीं इसके बारे में एसएसपी अजय कुमार ने मीडिया को बताया कतिपय संगठनों का धरना प्रदर्शन 10:30 बजे इन संगठनों ने नियत किया था, पर बदनीयती के चलते 8 बजे से ही ये एकत्रित हो गए थे, जिसको लेकर यहां काफी संख्या में पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात किया गया था। हमको पता चला था इनकी नियत अच्छी नहीं थी, ये अव्यवस्था फैलाने के आदि हो चुके थे कि इनको समझा बुझाकर वापस किया गया। वहीं शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका को लेकर इनको हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में रखा गया है ताकि शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे। वहीं पुलिस लाइन में पहुंचाए जाने पर वहां एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। केंद्र सरकार का ये काला कानून है, जब मंडियां उद्योगपतियों को मिल जाएगी तो फिर किसान लेबर का लेबर ही रहेगा हमेशा, कभी उठ नहीं पाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन और सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव और पूर्व दो सांसद अक्षय यादव के आह्वान पर आज सभी सपाई सपा जिलाध्यक्ष दुर्गपाल सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए, जहां हम लोगों को पुलिस ने रोका और सभी को यहां पुलिस लाइन में ले आए। पर हम लोगों का मनोबल नहीं टूटा है, यहां भी हम किसानों के समर्थन पर धरने पर बैठे हैं। हम कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, वे भी किसी किसान के बेटे होंगे, किसानों के दर्द को समझे। हरियाणा पंजाब के किसान जिस तरह से अगुवाई कर रहे हैं, उसी तरह सभी किसानों का समर्थन करें। प्रदर्शन पूरे देश और प्रदेश में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय प्रोफेसर रामगोपाल साहब, माननीय अक्षय यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसान यात्रा का, किसान आंदोलन का पूरा साथ दे रही है, समर्थन कर रही है। उसी कड़ी में जैसा कि प्रेस के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सबको मालूम है कि इस समय जो काला कानून बनाया गया है केंद्र सरकार ने, किसान के विरोध में पूरी तरह से है। और किसान अन्नदाता है और किसान उपज जो पैदा करता है उसका मूल्य भी नहीं मिल पाता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, कहीं कोई ये केंद्र सरकार जो दमन करना चाहती है किसानों का, अन्नदाता का दमन करना चाहती है, और उसकी नीति ऐसी है पूरी जितनी मंडियां सरकारी चल रही हैं सारी मंडियां समाप्त करके उद्योगपतियों को देना चाहती है। जब मंडी उद्योगपतियों को मिल जाएंगी तो सारे जो रेट होंगे हमारे उपज की अनाज की, वो उद्योगपति तय करेंगे, कम रेटों में हमारे अनाज लेंगे, इसीलिए किसान पूरी तरह से सड़क पे आ जाएगा। ये किसान इसी पैदावार से अपने बच्चों की शादी करता है, घर बनाता है, बच्चों को पढ़ाता है, और हरी बीमारी में वो पैसा काम आता है। पूरी तरह से दमन हो जाएगा उसका और वो कुछ ज़िंदगी में कर नहीं पाएगा, लेबर का ही रूप उसको धारण करना पड़ेगा, लेबर का लेबर रह जाएगा। और इसी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की खेती जो देने की प्रावधान है, ये काले कानून है। और पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, इनको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा, ये पूरी देश के किसानों की अगुवाई कर रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ धरना दे रहे हैं, ऐसे कड़ाके की ठंड में हम सब लोगों का साथ दे रहे हैं। तो हम लोगों का पूरी तरह से उनको साथ देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, और ऐसे काले कानून को वापस नहीं हो जाता तब तक समाजवादी पार्टी पूरा साथ देगी। माननीय नेताओं का आह्वान है और इसी आह्वान पर हम सब लोग लगे हुए हैं। आज उसी आह्वान पे हम लोगों ने धरना दिया यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी दुर्गपाल सिंह के नेतृत्व में। सभी लोग कलेक्ट्रेट के गेट पे आए, हम सब लोगों ने आते ही वहाँ धरना दिया। धरना देने के समय उसके बाद पूरा पुलिस फोर्स जबरदस्ती हमारे साथियों को, हमारे नेताओं को, सभी को गाड़ी में लेके आए, लेकिन हमारे किसी नेता को मनोबल नहीं टूटा है। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता किसानों का साथ दे रहे हैं। अंडर अरेस्ट होकर हम जब पुलिस लाइन में आए, यहाँ भी हम लोगों ने सब नारेबाजी की और यहाँ भी धरना पर बैठे हुए हैं, और सब लोग किसानों की यही मांग है
कि ये जो काला कानून है, किसान विरोधी कानून है, ये वापस हो। या प्रशासन के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं, चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो, ये भी सभी किसान के बेटे हैं, ये भी सभी किसान के बेटे हैं, इन्हें ध्यान रखना चाहिए। हम भी किसान के बेटे हैं, किसान के साथ अन्याय होगा तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ये किसान के पीछे जो सरकार पड़ी है इसको भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो विदेशों में हमारे लोग रह रहे हैं वो भी पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। हम सब मिलकर के विरोध करके काले कानून को वापस कराने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह जिंदाबाद, माननीय अखिलेश जी जिंदाबाद, माननीय प्रोफेसर जिंदाबाद, माननीय अच्छा जी जिंदाबाद। कार्रवाई की गई है और जो गिरफ्तार किए गए उनकी संख्या क्या है और क्या पूरे दिन की प्रक्रिया रहेगी? जैसे आज प्रस्तावित धरना प्रदर्शन था जिला मुख्यालय डबरई पर, तो उसको लेकर के काफ़ी चाक चौबंद तैयारियां की गई थी और पूरे डबरई मुख्यालय को फोर्स के द्वारा कड़ी घेराबंदी की गई है। कतिपय दल के कुछ लोग यहां पे आए थे जो आते ही तत्काल बैठ गए हैं सड़क पर, उनको समझा बुझा करके भेज दिया गया है और पुलिस लाइन में उनको रखा गया है ताकि शांति व्यवस्था को बिगाड़ ना सकें। ये भी बताना है कि इन्होंने 10:30 बजे प्रातः का वक्त दिया था, लेकिन बदनीयती के चलते मैं कहूँगा और शांति व्यवस्था भंग करने के कुप्रयासों के चलते ये लोग 8 बजे ही आ गए थे, लेकिन हमारी पुलिस फोर्स मुस्तैद थी पहले से ही और तत्काल इन शरारती तत्वों को गाड़ी में बिठा करके हिरासत में लेकर के भेज दिया गया है ताकि यह व्यवस्था ना फैला सकें। हमको जो इनपुट थे कि इनकी नीयत अच्छी नहीं है, यह व्यवस्था फैलाने के आदि हो चुके हैं और वही कुकृत्य दोहराना चाहते थे, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। और हमारी पुलिस फोर्स दंगा निरोधक उपकरणों से पूरी तरह से सुसज्जित है। जो भी यहाँ पब्लिक के लिए परेशानी का सबब बनेगा, जो भी यहाँ व्यवस्था फैलाना चाहेगा, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और अगर यही स्थिति बनी रही तो देर शाम तक गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको बताया जाएगा कि इनकी बदनीयती का अंजाम क्या होता है।